मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और मध्य प्रदेश जनसंपर्क के मुताबिक इस स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था और उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था और वहीं 1989 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया था और करीब 42 साल बाद इसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। तो आइए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कौन है रानी कमलापति और क्या है रानी कमलापति का इतिहास। सदी के सीहोर जिले की सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया थे। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। वो बेहद सुंदर थी, इसलिए उनका नाम कमलापति रखा गया। राजकुमारी कमलापति को शिक्षा, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध और तीर कमान चलाने में महारत हासिल थी। सलकनपुर रियासत की देखरेख की जिम्मेदारी राजा कृपाल सिंह सरौतिया और राजकुमारी कमलापति पर ही थी। 16वीं सदी में ही करीब 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया था। इसके राजा सूरज सिंह शाह थे। उनके बेटे निजाम शाह से रानी कमलापति की शादी हुई। गौंड राजा निजाम शाह ने अपनी पत्नी रानी कमलापति के नाम पर भोपाल में तालाब के पास 1702 में एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण करवाया था। इस महल को आज भी रानी कमलापति महल के नाम से जाना जाता है। 1989 में इस महल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने संरक्षण में ले लिया था। सलकनपुर का ही रहने वाला चैन सिंह रानी कमलापति से शादी करना चाहता था। उसने कई बार राजा निजाम शाह की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। फिर एक दिन चैन सिंह ने राजा निजाम शाह को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और जहर देकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद चैन सिंह ने रानी कमलापति को पाने के मकसद से गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया। उससे बचने के लिए रानी कमलापति अपने बेटे नवल के साथ भोपाल के उसी महल में छिप गई जिसे राजा निजाम शाह ने बनवाया था। कुछ वक्त बीत जाने के बाद रानी कमलापति को पता चला कि भोपाल की सीमा के पास कुछ अफगानी आकर रुके हैं। इन अफगानियों का सरदार दोस्त मोहम्मद खान था, जो पैसा लेकर युद्ध लड़ता था। दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलापति के कहने पर गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया, जिसमें चैन सिंह मारा गया। दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी नीयत दिखा दी। मोहम्मद खान के नापाक इरादे देख रानी कमलापति के 14 साल के बेटे नवल शाह ने अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में दोस्त मोहम्मद खान के साथ घमासान युद्ध लड़ा। इस युद्ध में दोस्त मोहम्मद खान ने नवल शाह को मार दिया। इस जगह पर इतना खून बहा कि यहाँ की जमीन लाल हो गई और इसलिए आज भी इसको लाल घाटी कहा जाता है। जब बेटे नवल शाह की निर्मम हत्या कर दी गई और रानी कमलापति को लगा कि वो अब अपने राज्य को संरक्षण नहीं कर पाएंगी, तो उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा में छोटे तालाब में समाधि ले ली। रानी कमलापति भोपाल की आखिरी हिंदू रानी थी। उनके बाद यहाँ नवाबों का दौर शुरू हो गया था। भोपाल में देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को नव निर्मित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। राज्य के परिवहन विभाग ने स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। कई स्तर पर जाकर औपचारिक रूप से प्लेटफॉर्म का नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आपको हबीबगंज रेलवे स्टेशन की जगह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन लिखा दिखेगा। जहाँ जहाँ भी हबीबगंज लिखा हुआ था, उसे बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। नव निर्मित स्टेशन पर यात्रियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग समेत कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था। यहां से भारतीय सर्वेक्षण विभाग को यह प्रस्ताव गया, उसने भी मंजूरी दे दी तो कई विभागों में इसकी जानकारी दी गई। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। जुलाई 2016 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस स्टेशन के आधुनिकरण के लिए पहला अनुबंध किया गया था। 5 साल पहले इस प्रोजेक्ट के बाद जुलाई 2021 में स्टेशन नई सुविधाओं के साथ तैयार हो गया है। यहां वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी गई हैं, इन पर करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।